पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला अब काफी हाईलाइट होता नजर आ रहा है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने भी इस मामले को लेकर के बिहार सरकार को घेरा है। बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने ट्वीट करके बिहार सरकार के ऊपर खूब खरी खोटी सुनाई है। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये बिहार सरकार की चरम असंवेदनशीलता है कि जिस स्कॉलरशिप का 75% पैसा केंद्र सरकार देती है, वह स्कॉलरशिप 3 साल से बिहार में नहीं दी जा रही है। चिराग ने लिखा कि इसमें 15 लाख SC ST स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। बिहार की 20% जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारी मांग है कि स्कॉलरशिप तत्काल रिलीज हो। गौरतलब हो कि चिराग पासवान लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते ही रहते हैं और युवाओं और छात्रों की खास करके मुद्दों को उठाते ही रहते हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने STET अभ्यर्थियों का मामला भी उठाया था, इस बार उन्होंने पोस्ट मैट्रिक मामला उठाया है। आपको ये मामला क्या है ये पूरा विस्तार में बताते हैं। दरअसल बिहार में पिछले 3 साल से किसी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मामले में एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि इसके लिए किसी ने आवेदन तक नहीं दिया। बिहार का सरकारी तंत्र की लापरवाही का ये जीता जागता उदाहरण है। मामले को ही लेकर चिराग पासवान ने सरकार से मांग की है, जिस SC ST स्टूडेंट्स की उन्होंने बात की है वो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हाई स्कूल के बाद दी जाने वाली पैसों से है। ये SC ST के उन छात्रों को मिलते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। सरकारी आंकड़ों की माने तो हर साल देश के 60 लाख छात्रों को इससे फायदा होता है। इस स्कॉलरशिप के तहत 75% राशि केंद्र सरकार को दी जाती है और 25% राज्य सरकार को पे करना होता है। शिक्षा, प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यह स्कॉलरशिप दी जा सकती है, लेकिन बिहार में 2-3 सालों से इसके लिए आवेदन नहीं दिया गया है। बहरहाल अब मामला हाईलाइटेड होता जा रहा है। इस पर कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है। अब छात्रों को छात्रवृत्ति कब मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले तो आवेदन पर सरकारी तंत्र का क्या रवैया होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।